हाँ भाई, इतवार के दिन आप ऑफिस आओ, ईद हो बकरीद हो, आपको ऑफिस आना है अगर आप मीडिया की फील्ड में हो। रात को लेट सो कोई भी काम करके, जैसे मेरा भाई बोलता है कि रात को क्या बोलते समझ, जानू से पूरी रात बात करो, सुबह ऑफिस आ जाओ। और क्या, अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आप ऑफिस आ जाओ, ये भाई बोलते हैं ऐसा। ये इन भाई के गोल्डन वर्ड्स हैं, ये आप लिख लें। ये हाल है आजकल सूरत हाल लॉन्डो का कि रात भर 2 से 4 जोंग जिंदाबाद। हाँ, तो सीरियस बात पे आ जाते हैं। आज के ऑफिस आने का मतलब सिर्फ ये है कि फातिमा भाई हॉस्पिटल है, वहाँ किसी चीज़ की मीटिंग है, उसका हमें शूट करना है, इंटरव्यू लेने लोगों से ऑफिस के काम है। तो इस दिन के लिए ख़ास तौर पे हमें संडे को ऑफिस बुलाया गया सुबह 9 बजे। संडे को सुबह 9 का मतलब समझते हो? फातिमा भाई वो शूट पे, वो शूट करना है और सामान सारा ले लिया, रेडी है। तो अब शूट करना है, उसके बाद दिखाते हैं आपको करा है क्या। ओके, अब शूट के बाद ग्लासेस भी देख रहे हैं, कैमरा टंगा हुआ है, सब कुछ चुपके अपन हाथ में, और हम कैमरे सदर कर रहे हैं। भाई को विंटेज फ्रेम चाहिए, भाई को अब शर्ट भी लेनी है टी शर्ट पे। इस टाइम हम मौजूद हैं लिवाइस के आउटलेट पे, तो भाई को लेनी है टी शर्ट। तो चलो, देर हो गई तो टी शर्ट भी ले लेते हैं। मुझे नहीं प्यारे भाई को क्या है, वो मोटा लग रहा है बिल्कुल यार। यार यार कुछ भी कर लो, नहीं अच्छे लगोगे। क्या हुआ प्यारे ली, प्यारे ली, खाना नहीं खाया? खाना नहीं। हाँ भैया, तो सीन ये है, हमने सारे काम निकाल लिए अपने, सारे शूट कर लिए, सारी शॉपिंग भी कर ली, ग्लासेस भी ले लिए, फदर भी गए, लिबास शॉप भी गए। शॉपिंग करने के बाद और हम ऑफिस आएंगे, ब्लॉग एडिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। अल्लाह And I can feel your pain now. I never got the chance to explain how nothing ever quite feels the same now. I wish that I could just forget your name now.